हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए टेलीजोन का टीवी लेके आया हूँ। ये 55 इंच पे आता है, 50 इंच पे आता है, 43 इंचेस पे आता है। हमारे पास हर एक मदरबोर्ड का फ्रेमवेयर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें स्टक ऑन लोगो का प्रॉब्लम आता है, आप देख सकते हो। सिर्फ ये लोगो पे हैंग है और इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। फिर हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमारा टीवी प्रॉपरली चालू हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये सोनी का टीवी है लेकिन ये असेंबल टीवी है, इसके अंदर टेलीजोन का मदरबोर्ड है। हमने इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो। ओरिजिनली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है ये। आप लोग क्या करते हैं, किसी भी पायरेटेड वेबसाइट पर जाके वहाँ से सॉफ्टवेयर अवेलेबल करने का ट्राई करते हैं, या फिर कहीं से डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम वगैरह से। वो गलती आप कभी ना करें, उससे आपका टीवी बंद हो सकता है, क्योंकि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, लाइसेंस वर्जन नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपका टीवी डैमेज हो सकता है, परमानेंटली बंद हो जाएगा, फिर आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पहले जैसा ओरिजिनल मदरबोर्ड नहीं मिलेगा मार्केट में। इसलिए आपके टीवी में हमेशा ओरिजिनल और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कभी भी गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपना टीवी ख़राब ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, सो आई विल गाइड यू, ओके। उसके कोई चार्जेस नहीं है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के और इंस्टॉल करवाने, ठीक है फ्रेंड्स। आप मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।